क्या आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं और आप भी ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है जी हाँ आज का हमारा टॉपिक है यूज गूगल जेनरेटिव ए आई टू ऑटोमेट इंस्टाग्राम पोस्ट तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं एवरी डे साथ ही साथ आप गूगल जेमिनाई की मदद से उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कॉन्टेंट भी जनरेट कर सकते हैं जैसे कि कैप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन जी हे पॉसिबल

भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो, okay, तो गूगल शीट में, में आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेना है आप पोस्ट की करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर ली जिसका नाम है इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स और इधर पर मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए पोस्ट टाइटल इमेज लिंक और डेट ठीक है अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव यह है हमको गूगल शीट में यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स ऐड करके रखना है और ऑटोमेटिकली एवरी डे ठीक है मतलब हर दिन पोस्ट क्रिएट हो जाए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे और जो पोस्ट का कैप्शन है वो हम जनरेट कर लें गूगल जमीनाई की मदद से मतलब इधर पर हम क्या कर रहे हैं इधर पर हम गूगल जेमिनाई गूगल शीट्स और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ पैबली कनेक्ट की मदद से ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है ठीक तो है तो चलिए सीखते हैं ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीधे आपको ले चलता हूं पैबली कनेक के लैंडिंग पेज पे दोस्तों आप भी इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली डॉट कॉम स्लैश कनेक्ट यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक है साइन इन का ऑप्शन दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन तो अगर आप एक न्यू यूजर है तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पर और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल दो मिनट में दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पर हर महीने हंड्रेड फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद मतलब से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में, में एक 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 यूजर इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली के डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्क फ्लो का इस पर आपको क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे तो बोल रहा है एंटर दी नेम ऑफ़ दी वर्क फ्लो तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी वर्क फ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्क फ्लो को सेव करना चाहते हैं अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट क्रिएटर न्यू फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट वर्क फ्लो और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्क फ्लो को नाम देना चाहता हूँ यूज़ गूगल जेनरेटिव ए आई टू ऑटोमेट इंस्टाग्राम पोस्ट तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्क फ्लो को उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं ए आई ऑटोमेशन वाले फोल्डर में, में मेरी वर्क फ्लो को सेव करूंगा क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मतलब इन दो प्रिंसिपल पे ही हमारा पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है दिस दिसन जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो एक्शन बोलता है डू दिस तो ऐसा कर दो तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है सबसे पहले आपको ट्रिगर वाली स्टेप में काम करना है तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है तो इधर पर चूज़ ऐप आप में आपको चूज़ करना है स्केड्यूल बाय पाबली जो कि एक अमेजिंग फीचर है पाबली का इसकी मदद से पहले आप आपकी वर्क फ्लो को स्केड्यूल करेंगे ठीक है तो इधर पर हम स्केड्यूल क्या करेंगे इधर पर आपको ऑप्शन मिलते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स वंस एवरी डे डेज ऑफ द वीक डेज ऑफ द मंथ तो यहाँ पर मेरा यूज केस ये है कि मैं हर दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ अगर आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको हर दिन नहीं करना है आपको हफ्ते के एक दिन करना है पोस्ट क्रिएट या तो आपको डेट्स ऑफ दी मंथ मतलब महीने में कभी करना है तो आप आपके यूज केस के अकॉर्डिंग इधर पर स्केड्यूल कर सकते हैं आपके वर्क फ्लो को मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं हर दिन पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो यहां पर हम एवरी डे कर लेते हैं सिलेक्ट तो मतलब हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्क फ्लो आपका वर्क फ्लो कब रन होना चाहिए तो हर दिन हमारा वर्क फ्लो रन होगा इसका मतलब ये हुआ उसके बाद आप इधर से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं किस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए तो यहाँ पर हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टेन ए एम पे मेरी पोस्ट क्रिएट हो जाए ये मेरा ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर हम टाइम से कर लेते हैं टेन ओके सेफ पे क्लिक करते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हाउ ऑफन यू वॉन्ट टू रन यूर वर्क फ्रो में एवरी डे शो रहा है टाइम यहाँ पर फोर थर्टी शो है जो कि यू फॉर्मेट में और लोकल टाइम टेन है तो यू जो टाइम जोन है वो हमारे लोकल टाइम से फाइव थर्टी आवर्स अहेड है इसलिए यहाँ पर फोर थर्टी शो हो रहा है और इधर पर लोकल टाइम भी शो हो रहा है ठीक है तो हमने हमारे वर्क फ्रो को स्केड्यूल कर दिया है एवरी डे के लिए अब हम क्या करेंगे इधर पर एक्शन स्टेप में आते हैं और इधर पर मैं डेट टाइम फॉर्मेट का यूज़ करूंगा जो कि एक अन्य अमेजिंग फीचर है पैबली का ठीक है अब हम डेट टाइम फॉर्मेट का यूज़ क्यों कर रहे है हैं यहाँ पर क्योंकि इधर पर हमको करेंट डेट की ज़रूरत है अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल शीट में तो आप इधर पर आज की हाँ पर है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हर दिन पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए तो मतलब आज जैसे सात तारीख है तो आज एक पोस्ट क्रिएट हो जाए कल आठ तारीख है तो आठ को एक पोस्ट क्रिएट हो जाए तो हर दिन हमको करेंट डेट की जरूरत पड़ेगी ठीक है हमारे वर्क फ्लो को हमको इसको जिस तरीके से बनाना होगा तो चूज ऐप आप में आपको इधर पर चूज़ करना है डेट टाइप फॉर्मेट और इधर पर आप करेंट डेट निकालेंगे ठीक है तो एक्शन इवेंट में हम चूज़ करते हैं यहाँ पर करेंट डेट क्लिक करते हैं कनेक्ट वाली बटन पे तो आप इधर पर देख सकते हैं बेसिक फॉर्मेट आपको इधर पर चूज़ करना है तो इधर पर हम ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ले लेते हैं वाई 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 एम एम डी डी जो कि हमारा इधर पर डेट का फॉर्मेट है जो हमने गूगल शीट में रख रखा है ठीक है तो इधर पर सेम फॉर्मेट लेते हैं क्लिक करते हैं सेवन सेंटेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे तो आप इधर पर देख सकते हैं सेम फॉर्मेट में हमको इधर पर करेंट डेट मिल गई है जो डेट हमने इधर पर जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऐड करके रखी है ठीक है तो इधर पर हमने हमारे ऑटोमेशन की दो स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है अब हमको इधर पर एक्शन स्टेप में आना है और चूज ऐप आप में आपको इधर पर चूज करना है गूगल शीट्स ओके तो इधर पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज कर लेना है एक्शन इवेंट आपको यहाँ पर चूज करना है लुकअप स्प्रेस रोज वी वन तो इधर पर हम लुकअप स्प्रेडशीट रोज की मदद से क्या करेंगे यहां पर हम लुकअप करेंगे स्प्रेडशीट में कि पर्टिकुलर पोस्ट किस पर्टिकुलर डेट की है ठीक है ये हम लुकअप करेंगे तब पर तो यहाँ पर आपको करेक्ट पे क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट तो बेसिकली आपको यहां पर जो गूगल शीट्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक है एड न्यू कनेक्शन का दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं यहां पर आपको प्रीवियस सेफ कनेक्शन शो होते हैं अगर आप यहाँ पर जाते हैं एड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट का एक्सेस है मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बिल करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एक्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूं क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं हमारा जो गूगल शीट्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट अब नीचे आप फील्स देख सकते हैं सिलेक्ट शीट लुक ऑफ कॉलम लुक ऑफ वैल्यू इंक्लूड हेडर्स इन रेस्पॉन्स शॉर्ट वैल्यू ठीक है तो इधर पर आपको सबसे पहले स्प्रेडशीट चूज करना है जिस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे पर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स तो यहाँ से हम हमारी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को कर लेते हैं चूज और इधर पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट शीट भी यहाँ पर शो रही है तो जिस भी पर्टिकुलर शीट पर आप काम कर रहे हैं वो शीट आपको इधर पर चूज करना है ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फैच कर लिया एक ही शीट है यहाँ पर शीट वन तो इधर पर शीट वन ही रह देते हैं और उसके बाद लुकअप कॉलम आपको इधर पर देना है ठीक है तो लुकअप कॉलम हमारा कौन सा होगा यहाँ पर हमको डेट लुकअप करवाना है हर दिन ठीक है कि कौन सी डेट है जब भी हमारा वर्क फ्लो उसके अकॉर्डिंग रन होगा तो लुकअप कॉलम इधर पर मैं डाल देता हूँ कॉलम सी ठीक है कॉलम सी हमको लुकअप करवाना है इधर पर आप देख सकते हैं ठीक है और लुकअप वैल्यू आपको इधर पर मैप करना है प्रीवियस स्टेप से कुछ इस तरीके से ये जो हमने फॉर्मेट करी डेट मतलब करेंट डेट आपको इधर पर लुकअप वैल्यू देना है ठीक है अब ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म करी प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा इसको बोलते हैं मैपिंग इसकी मदद से ही आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं मतलब कि ये जब भी हमारा वर्कफ्लो रन होगा और हमको यहाँ पर जो करेंट डेट रिसीव होगी वो डेट ऑटोमेटिकली इस डेट की जगह आ जाएगी जो हमने मैप करी है और ये डेट चेंज हो जाएगी जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं कोई भी चीज आप इधर पर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा वो चेंज नहीं होगा तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर लुकअप कॉलम मैंने कॉलम सी मैनुअली टाइप करा है तो ये हमेशा स्टैटिक रहेगा ये चेंज नहीं होगा ठीक है तो ये डिफरेंस आपको इधर पर समझना है उसके बाद इंक्लूड हेडर्स इन रेस्पॉन्स आप इधर पर चूज कर सकते हैं आपके यूज केस के अकॉर्डिंग इधर पर मैं ट्रू रख रहा हूँ आप फॉल्स भी रख सकते हैं ठीक है थीके? और शॉर्ट वैल्यू इधर पर टॉप बॉटम रख सकते हैं टॉप लाइन देते हैं फिर हम इधर पर क्लिक करेंगे सेवन सेंट टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहां पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है इधर पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में शोरा है क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि इधर पर हमारा इस डेट का टाइटल है ठीक है पोस्ट का टाइटल है क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डेट का ये टाइटल है तो यहाँ पर हमको रेस्पॉन्स मिल गया है और इधर पर हमको इमेज लिंक में यू भी मिल गया है पर्टिकुलर इमेज जो हम डालना चाहते हैं हमारी पोस्ट के साथ एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ इस लिंक को इसको कॉपी करते हैं और न्यू टैब में हम इधर पर पेस्ट करके इसको खोल के देखते हैं कि ये पर्टिकुलर इमेज हमको पोस्ट करना है ठीक है आप इधर पर देख सकते हैं तो इधर पर चलते हैं तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो तीन स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है हमको यहाँ पर गूगल शीट से रेस्पॉन्स भी मिल गया है अब हम इधर पर चूज करेंगे गूगल जेमिनाई मतलब गूगल जेनरेटिव ए ठीक है तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल जेनरेटिव ए ओके तो गूगल जेनरेटिव ए की मदद मतलब से इधर पर हम यूनिक कैप्शन जनरेट करना चाहते हैं हमारी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए इसलिए इधर पर हम गूगल जेमिनाई यूज कर रहे हैं एक्शन इवेंट आपको यहाँ पर चूज करना है जनरेट कंटेंट और फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल जनरेटिव ए आई अकाउंट तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो गूगल जे मिन एक अकाउंट है उसको पब्लिक पैब्लिक के साथ कनेक्ट करना है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक है एड न्यू कनेक्शन का दूसरा है सिलेक्ट एग्जिटिंग कनेक्शन का तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल करके रखा है तो आप सिलेक्ट एक्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको प्रीवियस सेफ कनेक्शन शो होते हैं अगर आप यहाँ पर जाते हैं एड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर डालना है एपीआई की ए पी आई की आप कैसे जनरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है एंटर द एपीआई की हियर टू ऑपटेन द एपीआई की लॉग इन टूर गूगल ए आई स्टूडियो एंड गो टू दी गेट ए पी आई की सेक्शन क्लिक ऑन क्रिएट ए पी आई की सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट एंड और क्रिएट एन ए पी आई की फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट कॉपी एंड पेस्ट ए पी आई की ओवर हियर ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको ले चलता हूँ गूगल ए आई स्टूडियो में तो आप इधर पर देख सकते हैं हम है गूगल जेमिनाई में इधर पर आप देख सकते हैं गेट एपीआई की का ऑप्शन शो रहा है इधर पर मैं क्लिक करता हूँ इधर पर मैं क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करता हूँ और इधर से हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं टैबलेट टेस्टिंग और इधर पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट एपीआई की इन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ठीक है तो आप इधर पर देख सकते हैं एपीआई की हमको मिल गई है इसको हम इधर से कर लेते हैं कॉपी और सिंपली हम इधर पर एपीआई की वाली फील्ड में इसको कर देते हैं पेस्ट आपको भी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है और सिंपली आपको क्लिक करना है सेव वाली बटन पे और आपका जो गूगल जेम का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट अब नीचे आप फिर देख सकते हैं टेक्स्ट मॉडल्स मेथड्स तो टेक्स्ट में आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एंटर द टेक्स्ट हियर एग्जाम्पल राइट अ स्टोरी अबाउट अ मैजिक पैक पेक ओके तो इधर पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमको यहाँ पर कैप्शन जनरेट करना है तो हम इधर पर प्रॉम्प्ट क्या देंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं प्रॉम्ट देता हूँ राइट अ शॉर्ट कैप्शन फॉर ओके राइट अ शॉर्ट कैप्शन फॉर और इधर पर हम प्रीवियस स्टेप से मैप कर देंगे हमारा पोस्ट का टाइटल जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक है तो आपको इधर पर यह चीज़ समझना है कि जो आपका प्रॉम्प्ट होगा वो हमेशा स्टैटिक रहेगा ये चेंज नहीं होगा क्योंकि मैन्युअली टाइप करने और इधर पर हमने डेटा मैप करा है तो यहाँ पर जो पोस्ट का टाइटल है हमेशा चेंज होता जाएगा क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इधर पर मैंने टेक्सट दे दिया राइट अ शॉर्ट कैप्शन फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक है इधर से आपको मॉडल्स चूज़ करना है तो हम इधर पर चूज करेंगे जेमिनी प्रो ओके okay, ये हमने मॉडल चूज कर लिया और इधर पर फिर हमको मेथड चूज करना है तो जनरेट कंटेंट ही रहने देंगे okay, फिर पर आपको क्लिक करना है, मिल गया है. पर आप देख सकते हैं हमको में शो रहा है जनरेट होकर आ गया है हमको ठीक है एलिवेट योर बिजनेस लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अनलॉक स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट स्टेइंग कनेक्टेड एनी टाइम एनी क्लाउड रिवॉल्यूशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमको यहाँ पर टैग्स भी मिल गए ठीक है तो कितना अमेजिंग यहाँ पर कैप्शन जनरेट होकर आ गया है गूगल जेमिनाई की मदद से ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप गूगल जेमिनाई की मदद से आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन जनरेट कर सकते हैं उसके लिए कॉन्टेंट जनरेट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इधर पर हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमको ये सेम पोस्ट कैप्शन के साथ कलेक्टिवली हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करनी है पब्लिश करनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक टू एड एक्शन स्टेप पे आएंगे और इधर पर चूज ऐप में आपको चूज करना है इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस ओके तो इधर पर मैं सर्च करता हूं इंस्टाग्राम और नीचे से आपको इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस चूज करना है एक्शन इवेंट आपको यहां पर चूज करना है पब्लिश फोटो और क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अकाउंट तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अकाउंट है उसको पब्लिक करने के साथ कनेक्ट करना है इधर पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक है एड न्यू कनेक्शन का दूसरा है सिलेक्ट एग्जिटिंग कनेक्शन का तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको प्रीवियस सेफ्ट कनेक्शन शो होते हैं अगर आप यहाँ पर जाते हैं एड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस और आपका यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो हम इधर पर

जो हमको फोटो का लिंक यहाँ पर रिसीव हुआ है ठीक है इमेज लिंक आप इधर पर देख सकते हैं गूगल शीट में हमने डाल के रखा है इधर पर कर दिया मैप और कैप्शन हम इधर पर मैप कर देते हैं जो हमने गूगल जेमिनाई से जनरेट करा है ये जो कैप्शन ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको इधर पर डिटेल्स मैप करना है और फिर आपको क्लिक करना है सेवन टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पर और आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है तो जब आपको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स रिसीव होगा मतलब आपका ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है तो आइए चेक करते हैं इंस्टाग्राम पे और जी हाँ दोस्तों आप इतर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की पोस्ट क्रिएट हो गई है इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप इतना पापा देख सकते हैं कैप्शन जो हमने जनरेट करा गूगल जेमिना से वो कैप्शन भी इधर पर आ गया है ऑटोमेटिकली और ये जो पोस्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा था जिसका मैंने इमेज लिंक यहाँ पर अटैच करा है गूगल शीट में वो सेम इमेज हमको यहाँ पर पोस्ट हो गया हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप ये पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा ठीक है तो अब हमारा ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा तो यहाँ पर हमने स्केड्यूल लगा के रखा है तो हमारा वर्क फ्लो एवरी डे रन होगा हमारा ऑटोमेशन एवरी डे रन होगा मतलब हर दिन ऑटोमैटिकली एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी इंस्टाग्राम हैंडल पे तो आपको यहाँ पर सेटअप कुछ इस तरीके से कर लेना है आपको पोस्ट का टाइटल ऐड कर लेना है इमेज लिंक ऐड करके रखना है और यहाँ पर आपको डेट डाल देना है सीरियल में ठीक है तो ऑटोमेटिकली हर दिन पोस्ट क्रिएट हो जाएगी इंस्टाग्राम हैंडल पे ठीक है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्क फ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्क फ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस वर्क फ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक यू यही नहीं दोस्तों आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट पैबली डॉट कॉम पर अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्योरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं फोरम ऐट द रेट पैबली डॉट कॉम पर और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें